माया नगरी मुंबई, जी हाँ हमारा बॉलीवुड एक माया ही तो है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। रोजाना हजारों सपने सच होने के लिए इस माया नगरी में आते हैं, लेकिन ये दुनिया उसे ही अपनाती है जो इसके संघर्ष की परीक्षा में सफल होता है। ये संघर्ष कभी एक सा नहीं होता। जो यहाँ समझौता कर लेता है शायद उनका संघर्ष कम हो जाता होगा, लेकिन सफलता उतनी बड़ी नहीं मिलती। इसलिए यहाँ हजारों सपने पूरे होते हैं तो लाखों टूट भी जाते हैं, लेकिन जैसा कि थॉमस पेन ने कहा है, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो ऐसे ही मशक्कत भरे सफर को पूरा करके अपने मंजिल पर पहुंचने वाले एक अभिनेता जिनके जीवन की दास्तां एक बार फिर नारद टीवी अपने दर्शकों के बीच लेकर आया है। एक ऐसा कलाकार जिसे अपनी सफलता की इबारत लिखने में 25 साल का संघर्ष करना पड़ा और जिन्हें हम सभी नीरज कवि के नाम से जानते हैं, जिन्हें आपने हाल फिलहाल में आई वेब सीरीज पाताल लोक में पत्रकार संजीव मेहरा की भूमिका में देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। नारद टीवी आज से एक और नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहा है जिसमें हम आप सबको मौजूदा दौर के कलाकारों से रूबरू करवाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस नए प्रयास पर भी आप सबका भरपूर प्यार मिलेगा। लौटते हैं अपनी मुख्य कहानी की तरफ। शायद आपके लिए यह यकीन करना भी मुश्किल होगा कि नीरज कवि की पहली और दूसरी फिल्म में 16 साल का फासला था। एक ऐसा कलाकार जिसे स्वयंभू कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर हैं उसे उन्होंने खुद के दम पर हासिल किया है। बात करें इनके जीवन के शुरुआती दौर की तो 12 मार्च 1968 को नीरज का जन्म जमशेदपुर झारखंड में हुआ था, जो उस वक्त बिहार का हिस्सा था। इनके पिता तुषार कवि और माता जरीन कवि हैं। नीरज का छोटा भाई भी है जिनका नाम पार्थ कवि है। डॉक्टरों के परिवार से संबंध रखने वाले नीरज की पारिवारिक पृष्ठभूमि में कहीं भी दूर दूर तक फिल्म या फिल्मी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि नदी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ नीरज के साथ। यहां सबसे आश्चर्य वाली बात तो यह है कि नीरज को हिंदी फिल्में देखकर शर्म आती थी। नीरज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि हीरोइन को अतरंगी कपड़े पहनकर पेड़ के आसपास नाचते देख मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी। सोचता था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही विचार फिल्मी हस्ती शशि कपूर साहब के भी हुआ करते थे, इसलिए उनका मुख्य झुकाव हॉलीवुड तथा अंतरराष्ट्रीय रंगमंच की ओर अधिक रहा। खैर, बचपन से लेकर कॉलेज में आने तक नीरज के मन में फिल्मी दुनिया से जुड़ने का कोई विचार नहीं था। लोयला स्कूल जमशेदपुर से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे में दाखिला लिया। आगे चलकर उनका सपना अमेरिका से MBA करने का था, लेकिन नियति को तो शायद कुछ और ही मंजूर था और उसने नीरज के लिए रास्ते भी बनाने शुरू कर दिए। कॉलेज के दौरान ही नीरज का एक कॉलेज थिएटर कंपटीशन मूड गो इंडिया में हिस्सा लेने IIT मुंबई आना हुआ, जहां नीरज ने एक हिंदी नाटक एक रिफ्यूजी कैंप में अभिनय किया और इसके लिए इन्होंने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। इन सब घटनाओं ने नीरज को कुछ ऐसा महसूस करवाया कि जैसे वो अभिनय और अभिनय उनके लिए ही बना है। इसके लिए जीवन में सब कुछ छोड़ा जा सकता है। बस फिर क्या था, इस सपने के लिए इन्होंने अपना MBA का सपना छोड़ा और मुंबई चले आए। नीरज मुंबई तो आ गए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। मुंबई आने के बाद इनके पास ना तो पैसा था, ना एक्टिंग का कोई अनुभव और ना ही फिल्मी दुनिया में कोई गॉडफादर। अपनी एक्टिंग को सुधारने और सीखने के लिए उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी FTII और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD दोनों जगह अप्लाई किया, लेकिन दोनों ही जगह उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि मनोज वाजपेयी के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक्य हुआ था। जगह जगह ऑडिशन देने का और उसके साथ असफलता का सिलसिला चलता रहा। बात 1996 की है। ऐसे ही बड़ी मुश्किल से नीरज को एक ओडिया भाषा की फिल्म शेष दृष्टि द लास्ट विजन में काम करने का मौका मिला, जिसका निर्माण NFDC ने किया था। फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहना मिली और इसका प्रदर्शन सिंगापुर और काहिरा फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ। इस फिल्म ने वर्ष 1998 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। इतना सब होने पर नीरज को लगने लगा कि उनके संघर्ष के दिन अब खत्म ही होने वाले हैं, लेकिन शायद इस हीरे को अपनी चमक बिखेरने के लिए
संघर्ष के खान में अभी और तपना था। इसी दौरान नीरज की शादी दीपाली कोस्ता से हो चुकी थी, जो पेशे से फैशन डिजाइनर है। अब वक्त के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही थी और इन सब के साथ उनका अभिनय और रंगमंच के प्रति प्रेम, समर्पण और संघर्ष भी बढ़ता जा रहा था। नीरज अपने संघर्ष के दिनों की बात ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन उनके सकारात्मक रवैये का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने संघर्ष के दिनों को लर्निंग फेज यानी अध्ययन काल कहना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में नीरज ने खुद बताया कि उन दिनों उन्हें काम नहीं मिलता था, लेकिन अपने जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने वो हर काम किया जो उन्हें मिलता था, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। नीरज ने कभी स्पॉट बॉय का काम किया तो कभी एड एजेंसी में जूनियर कॉपीराइटर का। कई सालों तक घर घर जाकर किताबें भी बेची, बहुत उद्कार खाई, चेहरे पर दरवाजों को बंद होते देखा। कुछ समय तक ट्यूशन भी पढ़ाया और ये सिलसिला एक या दो साल तक नहीं पूरे 15 सालों तक चला। लेकिन इस संघर्ष ने नीरज को बहुत कुछ सिखाया। इस संघर्ष ने नीरज के अंदर के घमंड को खत्म कर दिया। सच में अगर आप में हुनर है, काबिलियत है, तो संघर्ष आपको निखार देता है। वो एक अच्छे कारीगर की तरह आपको तराशता है और आप में एक हीरे जैसी चमक ला देता है, जो आपको अमूल्य बना देता है। लेकिन शर्त एक ही है कि आप में हीरा बनने का गुण हो, आपके इरादों में वो मजबूती हो, तभी आप तराशने के बाद चमकेंगे, नहीं तो कांच की तरह बिखर जाएंगे। ये सब बातें नीरज कवि के लिए बिल्कुल सही जान पड़ती हैं। खैर, संघर्ष का दौर जारी रहा, लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। अपने आप को तराशते रहे, अपना थिएटर जारी रखा। लेकिन ऐसा नहीं था, कितने लंबे संघर्ष ने नीरज को कमजोर नहीं किया, उसने इन्हें कमजोर भी करना शुरू किया। जब अभिनय में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था और जीवन यापन की समस्या बढ़ती गई, तो नीरज का आत्मविश्वास खत्म होने लगा और फिर नीरज ने अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, जिसमें वह एक्टिंग और डांसिंग फॉर्म की ट्रेनिंग देने लगे। बीतते समय के साथ उन्होंने अपना खुद का थिएटर ग्रुप शुरू किया, जिसका नाम रखा प्रवाह। यहां उन्होंने दुनिया भर के अच्छे अच्छे प्ले डायरेक्ट किए, लेकिन फिल्मों में काम अभी भी नहीं मिल रहा था। इन सब के कारण नीरज के मन में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर नाराजगी बढ़ती गई। माया नगरी में अपनी इस बेकदरी को देखकर उनका मन उससे कुछ इस तरह उचटा कि जब 2010 में आनंद गांधी ने इन्हें एक फिल्म ऑफर करने के लिए कॉल किया, तो उन्होंने उस फिल्म को करने से मना कर दिया, लेकिन आनंद गांधी ने उन्हें कम से कम मिलने को मना लिया। मिलने पर जब नीरज ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो अंदर तक हिल गए और ये फिल्म थी सिर्फ ऑफ थीसिस, जो कमर्शियल तो नहीं थी, लेकिन फिल्मी दुनिया की एक बेहतरीन फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें नीरज द्वारा निभाया गया जैन मुनि का किरदार अभिनय का एक अलग ही ऊंचा स्तर बनता हुआ साबित हुआ। उन्होंने मानसून शूटआउट, गांधी ऑफ द मंथ और डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय की क्षमता को दिखाया। लेकिन नीरज कवि को मेन स्ट्रीम में लेकर आने वाली फिल्म थी मेघना गुलजार निर्देशित तलवार, जिसमें इन्होंने एक ऐसे पिता का किरदार निभाया जिस पर खुद की बेटी की हत्या का आरोप था, जो वाकई बहुत ही गंभीरता के साथ निभाया गया। इसके बाद नीरज नजर आए यशराज बैनर की फिल्म हिचकी में, जिसमें इनके साथ रानी मुखर्जी भी थी। असल मायने में ये फिल्म नीरज के लिए ब्रेक थ्रू साबित हुई और अब अभिनय का ये हीरो फिल्मी दुनिया में चमकने लगा। इसके बाद नीरज गली गुलैया, लाल कप्तान, लाइन ऑफ डिसेंट जैसे फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी की छाप छोड़ते नजर आए। एक तरफ नीरज का सफर फिल्मी दुनिया में शुरू हो चुका था, तो दूसरी तरफ इनकी चमक वेब सीरीज में भी पहुंचने लगी। अनुराग कश्यप निर्देशित सेक्रेट गेम्स वेब सीरीज में डीसीपी परुलकर का किरदार निभाकर नीरज ने सबको चकित कर दिया और ये किरदार इनकी अभिनय की जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुआ। नीरज को बहुत से लोग अब भी परुलकर के नाम से ही पुकारते हैं। नीरज इस वक्त समांतर सिनेमा से व्यावसायिक सिनेमा और डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी वेब सीरीज में एक साथ सक्रिय हैं। सेक्रेट गेम्स के साथ नीरज ने संविधान धारावाहिक में महात्मा गांधी का किरदार बहुत ही जीवन तरीके से निभाया। इसके साथ साथ नीरज ने द फाइनल कॉल, स्ट्राइक बैक, ताजमहल जैसे वेब सीरीज में भी एक अहम भूमिका निभाई। हाल ही में आई वेब सीरीज पाताल लोक में इनके द्वारा निभाए गए संजीव मेहरा के किरदार में इनके अभिनय क्षमता की एक नई धार देखने को मिलती है, जो वाकई काबिले तारीफ है। वर्तमान में नीरज वेब सीरीज की दुनिया के सबसे व्यस्ततम कलाकारों में से एक हैं और आज खास तौर पर उनके लिए किरदार लिखे जाते हैं। खुद नीरज कवि के शब्दों में अब वो उस स्तर पर हैं जहां वो अपने किरदार को चुन सकते हैं। आने वाले समय में नीरज हंटर, ताबीर जैसी फिल्मों में तो अवरोध नाम की एक वेब सीरीज में भी नजर आएंगे। नीरज कभी अपनी मेहनत और लगन से जिस मुकाम पर खड़े हैं, तो उन्हें स्वयंभू कहना गलत नहीं होगा। यह खुद ही शिल्प हैं और खुद ही शिल्पकार, एक ऐसा हीरो जो संघर्ष और समय की तपन में निखरता गया और निखर रहा है। हम ऐसे बेहतरीन कलाकार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। इस श्रृंखला में आप और किन किन कलाकारों की जानकारी चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।